क्या एक ब्यूटिशियन या मेकअप आर्टिस्ट को इंग्लिश आना जरूरी है? अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हमारी सक्सेस में कोई रुकावट आ सकती है। या तो हम कोई एकेडमी ज्वाइन करें तो वहाँ इंग्लिश में कोर्स सिखाते हैं या हिंदी में, या फिर हम इंग्लिश कैसे सीखें? इंग्लिश ना आने की वजह से क्या हम पीछे रह जाएंगे? तो आपके यही सारे सवालों के जवाब मैं आज की वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। तो हमारे किसी व्यूअर का पहला सवाल तो यही था कि क्या एक ब्यूटिशियन को इंग्लिश आना जरूरी है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, इंग्लिश अगर आपको आती है ना तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो एक कनेक्टेड लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। ऐसी कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं है जो हर जगह पे चलती हो, ना ही हिंदी है, ना ही स्पेनिश, ना ही जापानीज, कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो ऑल वर्ल्ड में चलती हो। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह से कनेक्टेड है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिर आपको नहीं आती है तो इसमें कोई झिझकने की बात नहीं है, ये सिर्फ लैंग्वेज है, इतना याद रखिए। और अगर आपको इंग्लिश आ जाती है ना तो आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंट बूस्ट होता है, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और हमारे इंडिया में ऐसा चलन है ना कि जिसको इंग्लिश नहीं आती है ना वो खुद को बहुत ही पिछड़ा हुआ समझते हैं, अपने आप को बहुत ही लो ग्रेड फील करते हैं कि हम तो किसी काम के नहीं है, हमें इंग्लिश नहीं आती है, ये ऐसी मेंटालिटी हो गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है ना तो आप अपनी मातृभाषा हिंदी को भी इस तरह से कैरी करें कि आप जिससे भी बात करें उस पर आप अपनी छाप छोड़ सके, उस तरह से आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं। इंग्लिश एक ऐसी कनेक्टेड लैंग्वेज है जो ऑल दी वर्ल्ड में समझी जाती है, इसलिए इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। फिर भी आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, डोंट वरी, और आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं। और दूसरी बात ये थी ना कि क्या हमें कोई एकेडमी में हम सीखने जाए तो वहाँ इंग्लिश में सिखाते हैं या हिंदी में। तो देखिए, आप जो एकेडमी में सीखने जाएंगे ना, वहाँ का जो पेपर लिस्ट रहता है ना कि आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, वो सारी चीज तो इंग्लिश में ही रहती है। फिर ट्रेनर के ऊपर रहते, कोई कोई ट्रेनर जो रहता है वो इंग्लिश में बात करते हैं, जो कोई रहते हैं हिंदी में बताते हैं। लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश नहीं आती है ना तो आपको उसे बेझिझक बता देना है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, प्लीज आप मुझे हिंदी में समझाइए। और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आपको हिंदी में समझाए, क्योंकि आपने जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स या तो मेकअप कोर्स सीखने के पैसे दिए है ना, वो हमें सीखने के लिए दिए है, उनकी इंग्लिश सुनने के लिए नहीं दिए है। तो आप उसे बोल सकते है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है तो आप मुझे हिंदी में समझाए, और वो आपको हिंदी में समझाएंगे भी। ये बात हुई कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप अगर इंग्लिश जानना चाहते हैं तो उसे सीखे कैसे, तो चलिए मैं आपको जल्दी से बता दूं कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, या तो आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं ना, तो सिर्फ आपको ये चार चीजें करनी पड़ेगी। ये चार चीजें करने से आपको सिर्फ 90 दिन में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, या तो कोई भी लैंग्वेज सीख जाएंगे। तो वो चार चीजें हमें क्या करनी है, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग। ये चार चीजें आपको डेली 15 मिनट तक करना है। अगर आप डेली 90 दिन तक अगर सिर्फ ये 15 मिनट आप रेगुलर इसमें देंगे ना, तो आप 90 दिन में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो वो हमें कैसे करना है, और आप इस चार चीजों में से कुछ स्किप करना चाहते हैं ना तो आप राइटिंग स्किप कर सकते हैं। अगर आप लिखेंगे नहीं ना तो भी चलेगा, लेकिन आपको 15 मिनट इंग्लिश डेली बोलना है, डेली पढ़ना है, उसको रीड करना है। कैसे रीड करना है, जैसे कि मैं यहाँ आपको एक बुक में से एक लाइन पढ़ के सुनाती हूँ, उस तरह से आपको पढ़ना है, बोलना है। दिस चार्ट्स एनेबल यू द डे ऑफ द वीक इन एनी ईयर फ्रॉम, इस तरह से आपको पढ़ना है, कैसे, जोर जोर से। आपको आपकी आवाज आपके कानों तक पहुंचनी चाहिए, आपकी आवाज आपके कानों में जानी चाहिए। उससे क्या होता है कि आप जो बोलेंगे ना वो सारे शब्द आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा ना कि वो सारे शब्द अपने आप मुंह से निकलने लगेंगे। डेली आप प्रैक्टिस करेंगे ना, डेली 15 मिनट तक आपको इस तरह से पढ़ना है। फिर दूसरा क्या करना है, आपको डेली 15 मिनट इंग्लिश सुनना है। सुनना है क्या, आप YouTube की कोई चैनल ले लो, इंग्लिश चैनल ले लो, ऐसा जरूरी नहीं कि इंग्लिश मूवी, इंग्लिश चैनल जो इंग्लिश बोलता हो उसकी इंग्लिश आपको समझ में आती हो, वो 15 मिनट आपको सुनना है।
ऐसी कोई चैनल नहीं सुननी है कि जिसमें हमें क्या बोल रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सब सिर के ऊपर से जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको जिसकी इंग्लिश समझ में आए ना उसको आपको 15 मिनट तक सुनना है। और तीसरी चीज क्या आती है, बोलना। आपको कैसे बोलना है, ये पढ़ना हो गया, रीडिंग हो गया, फिर लिसनिंग हो गया, अब आएगा स्पीकिंग। तो हमें किस तरह से बोलना है, आप देखो किसी के सामने भी आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर किसी के सामने आप नहीं बोल पा रहे ना इंग्लिश, तो आप मिरर के सामने खुद ब खुद भी तो बोल सकते हैं ना, अपने आप से इंग्लिश में बातें करें, या तो फिर मोबाइल में आप कैमरा ऑन करके अपने आप से 15 मिनट इंग्लिश बोले। इस तरह से आपको इंग्लिश बोलना है। जहां पे आपको इंग्लिश वर्ड नहीं आ रहा है ना, वहां पे आप हिंदी वर्ड का यूज कर सकते हैं। इस तरह से सिर्फ आप 90 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप देख लेना 90 दिन में आप एकदम मास्टर हो जाएंगे इंग्लिश में, आपको इतना इंग्लिश परफेक्टली आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इंग्लिश सीखना है। दूसरा देखो, इसमें हमें थोड़ा सा भी झिझक नहीं लेना, इंग्लिश को है ना सिर्फ हमें एक लैंग्वेज की तरह लेना है, कि सिर्फ वो एक लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आ रहा है तो हम एकदम पिछड़े हुए हैं, हम तो एकदम, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक लैंग्वेज, एज अ लैंग्वेज आप इंग्लिश का यूज करेंगे ना, तो आप फटाफट से इंग्लिश सीख सकते हैं। जैसे कि जैकलिन की बात ले लो, कैटरीना की बात ले लो, वो जब इंडिया में आए तो उसको हिंदी नहीं आती थी, नहीं आती थी ना, लेकिन फिर भी वो हिंदी बोलते थे, हिंदी सुनते थे, हिंदी बोलते थे, टूटी फूटी सही हिंदी बोलते थे ना। तो क्या होता था, कोई कोई उस पर हंस भी देता था, तो वो खुद भी उसके साथ हंसने लगती थी उसकी अगर गलती हो जाती है तो। फिर धीरे धीरे ऐसे करके उसने पूरी हिंदी सीख ली, क्योंकि उसको पता था कि उस फील्ड में अगर उसको रहना है तो हिंदी तो सीखनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से उसने इंग्लिश, तो इस तरह से उसने हिंदी सीख ली अच्छे से, है ना। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप कहीं घूमने गए हैं, जैसे कि आप ताजमहल या तो राजस्थान के किसी किले किले में से घूमने जाते हैं ना, तो आप वहां पे देखते होंगे तो वहां के गाइड रहते हैं ना जो सारी चीजें घुमाते हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं ना बाहर से, उनके साथ एकदम अच्छे से कितनी अच्छी कितनी बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, है ना। तो उसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, नहीं वो इतना पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो फॉरेनर्स के साथ रह रहे के उनकी इंग्लिश सुन सुन के, उनसे टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते करते इंग्लिश में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो फिर इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगते हैं। तो इस तरह से आप इंग्लिश सीख जाएंगे, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना। तो बाकी कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम करियर में आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश सिर्फ एक कनेक्टेड लैंग्वेज है कि हम अपनी बात दूसरों को समझा सके। जैसे कई सारी लैंग्वेज रहती है ना, जैसे कि आई लैंग्वेज हो गई, जैसे कि आंखों से किसी को बात समझाना, साइन लैंग्वेज हो गई, इशारों से बात समझाना, उसी तरह से एक लैंग्वेज ही है। तो लैंग्वेज में तो सारी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश आती है, जापानीज आती है, गुजराती आती है, हिंदी आती है, सब लैंग्वेज आते हैं। तो उसी तरह से ये भी एक लैंग्वेज है, तो हमें आनी जरूरी है। जैसे हम हिंदी सीखते हैं, दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं, तो इंग्लिश भी हमें आनी ही चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो है वो पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड लैंग्वेज है। तो इंग्लिश आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है और सीखनी ही चाहिए। अगर फिर भी नहीं आती है तो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आपके करियर में रुकावट आ सकती है। आपको अपनी स्किल को कमांड करना है, अपने टैलेंट को कमांड करना है। आप उस तरह से अपने स्किल से, अपने टैलेंट से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, ना ही किसी लैंग्वेज से होती है। बिना मन में जरा सा भी संकोच रखे, अपने लैंग्वेज पे ही काम करें, और हो सके तो इंग्लिश सीखने की ट्राई करें, क्योंकि उससे हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको जरूर से यूजफुल रही होगी। यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।